आज इस वीडियो से स्टार्ट होने वाली है हमारी मालदीव ट्रिप्स की कंप्लीट सीरीज, तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। तो बैकपैक करने के बाद अब हम निकल रहे हैं बैंगलोर टर्मिनल T2 के लिए, जिधर से हमारी फ़्लाइट है मालदीव की वाया श्रीलंका, जहाँ पे कुछ घंटे का लेओवर भी है। वैसे तो आप डायरेक्ट फ़्लाइट भी कर सकते हैं मालदीव की, बट उसमें प्रॉब्लम यह है कि सब फ्लाइट्स का अराइवल टाइम आफ्टरनून का है, जिसका मतलब हुआ कि आप आफ्टरनून को मालदीव एयरपोर्ट पहुँचोगे, देन वहाँ से रिजॉर्ट तक जाने के लिए अगेन 1-1.5 घंटा बर्बाद होगा। सो टोटली फर्स्ट डे तो आपका ट्रेवल में ही बर्बाद होने वाला है। इसीलिए हमने श्रीलंकन एयरलाइन की कनेक्टिंग फ़्लाइट यूज़ की, जो आपको मालदीव अर्ली मॉर्निंग पहुंचा देती है। तो एयरपोर्ट पहुंचने के बाद हम लोग को पता चलता है कि हमारी फ़्लाइट 1 घंटा डिले है, क्योंकि श्रीलंका में ज़ोरदार बारिश हो रही है। तो जब तक हम यहाँ वेट कर रहे हैं, हम आप लोग को दिखाते हैं चेक इन साइड का ये व्यू। तो फाइनली श्रीलंकन एयरलाइन का चेकिंग काउंटर ओपन हो चुका है, तो हम आपसे मिलते हैं सीधा चेकिंग और इमिग्रेशन प्रोसेस के बाद। तो हमारा इमिग्रेशन प्रोसेस हो गया है और सिक्योरिटी चेक भी हो गया। अब हम जा रहे हैं कुछ खाने, बहुत तेज भूख लग रही है, देखो कुछ मिलता भी है कि नहीं यहाँ पे। ये है बैंगलोर ड्यूटी फ्री सेक्शन, यहाँ से जो भी मन करे आप ले सकते हो, सब मिलता है यहाँ पे। ड्यूटी फ्री सेक्शन से निकलते ही आपको दिखाई देगा ये कॉरिडोर, जो काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा है देखने में, और यहाँ पे काफ़ी सारे खाने पीने के शॉप्स भी हैं। तो हम लोग हैं अभी जेमी ओलिवर में, यहाँ हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, और ये देखिए आप पीछे का व्यू कितना ऑसम है, सीलिंग का स्पाइडरमैन उतर रहा है, अभी देखो पूरा पत्ते आ रही है। अरे मैं बैटमैन, देखो बैटमैन यहाँ उड़ रहा है, दिस इज कूल एंड समथिंग। तो खाने पीने के बाद अब हम जा रहे हैं बोर्डिंग गेट की तरफ। T2 टर्मिनल की खास बात हमें ये लगी कि ये टर्मिनल पूरा ग्रीन थीम पे बेस है। यहाँ आपको बम्बूस के हट, झरने देखने को मिलेंगे, ऐसा लगता है आप किसी एयरपोर्ट में नहीं बल्कि किसी जंगल सफारी पे निकले हैं। टर्मिनल 2 एयरपोर्ट पूरा नेचर थीम पे बना हुआ है, आप अंदर आओगे तो आपको सारी शॉप लॉन सारे हट वाले फीलिंग आएंगे, और बहुत ही खूबसूरत है, एकदम नेचर कनेक्टिंग है। आपको थोड़े झरने, इनबिल्ट झरने, आवाज़ें उसकी, और पूरा लाइक ग्रीनरी है पूरा। तो फाइनली अब हमारी बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो अभी तक का एक्सपीरियंस तो मैं सच बताऊं तो श्रीलंकन एयरलाइन का कुछ खास नहीं रहा। होपफुली श्रीलंका से मालदीव की ट्रिप अच्छी हो, क्योंकि इन लोग का डिले अभी तक 2 बार ये लोग कर चुके हैं, जो कुल मिला के 2 घंटे हो चुका है, और फ़्लाइट भी कुछ इनकी कुछ खास नहीं लग रही है। तो चलिए देखते हैं, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ये देखिए इनकी सीट की हालत, ऐसी हालत तो मैंने आज तक किसी फ़्लाइट की नहीं देखी। हमारी डोमेस्टिक फ़्लाइट इनसे काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। होपफुली श्रीलंका से मालदीव की फ़्लाइट अच्छी हो। तो फाइनली अब हम श्रीलंका पहुंच चुके हैं, और यहाँ हमारा स्वागत बारिश के साथ हुआ। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अपने श्रीलंका में लेवर की और यहाँ के एक्सपीरियंस की।
और हाँ, अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख ही चुके हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।